दोस्तों यदि आप ऋषिकेश घूमने जाना चाहते हैं तो आपको ऋषिकेश में स्थित राम झूला तथा लक्ष्मण झूला पर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही पुल से माँ गंगा के सुंदर दृश्य के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। दोस्तों लक्ष्मण झूला के रहस्य के बारे में हमने आपको हमारी वीडियो में पहले बताया हुआ है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों राम झूला भी गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। गंगा नदी के दोनों तरफ कई धार्मिक आश्रम भी बने हुए हैं जो इस पुल से साफ साफ दिखाई देते हैं। दोस्तों इस पुल का संपर्क शिवानंद आश्रम, गीता भवन, परमार्थ निकेतन तथा स्वर्ग आश्रम से जुड़ा हुआ है। अगर बात करें राम झूला कहाँ पर है, इसका निर्माण किसने करवाया तथा यह कितना लंबा है, तो दोस्तों राम झूला जो है वो उत्तराखंड राज्य में ऋषिकेश शहर से 3 किलोमीटर दूर गंगा नदी पर बना हुआ है। यह झूला 35 साल पुराना है। दोस्तों इतिहासकारों के अनुसार इस झूले का निर्माण 1986 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करवाया गया था। यह राम झूला 750 फुट लंबा है तथा यह झूला गंगा नदी के ऊपर हिलता रहता है, जो गोमुख से निकलकर पर्वतों के बीच से बहती हुई ऋषिकेश के समुन्द्र तल यानी कि धरातल को स्पर्श करती है। दोस्तों राम झूला को मजबूत लोहे की तारों से बांधा हुआ है तथा राम झूला पुल लक्ष्मण झूला से बड़ा भी है, जो रात में रंग बिरंगी लाइटों से चमकता रहता है। दोस्तों हिंदू ग्रंथ पुराण के अनुसार श्री राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी ने इसी स्थान पर गंगा नदी को पार करने के लिए जूट की रस्सियों का प्रयोग किया था, जिसके कारण यहां सबसे पहले लक्ष्मण झूले का निर्माण किया गया था। लक्ष्मण झूले को देखकर ही 1986 में राम झूले का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों यह पुल शिवानंद आश्रम के ठीक सामने बना हुआ है, इसलिए इसे शिवानंद झूला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों राम झूला अधिक पुराना नहीं है, इसलिए इस पुल पर पैदल यात्रियों के साथ साथ बाइक और स्कूटर जैसे वाहन भी चलते रहते हैं। जब भी आप इस पुल पर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि यह पुल झूल रहा हो। दोस्तों हिलते हुए पुल पर सफर करना भी अपने आप में एक रोमांच पैदा करता है। दोस्तों बात करते हैं 2019 कांवड़ यात्रा के दौरान हुए हादसे की। दोस्तों 2019 कांवड़ यात्रा के दौरान लक्ष्मण झूले में खराबी आने के कारण पुलिस प्रशासन ने लक्ष्मण झूले को बंद करके आने जाने के लिए राम झूले का प्रयोग कांवड़ियों को करने के लिए कहा, जिससे भीड़ ज्यादा होने की वजह से राम झूला पुल की 4 तारें टूट गई, जिससे सभी कांवड़ियों में भगदड़ जैसी स्थिति भी बन गई थी। दोस्तों पुलिस प्रशासन ने जल्द ही इंजीनियर बुलाकर इस पुल की मरम्मत करवाई थी, क्योंकि लक्ष्मण झूला पहले ही डैमेज होने के कारण बंद था। अब अगर राम झूला भी बंद करना पड़ा तो कांवड़ियों के लिए गंगा नदी को पार करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों इसलिए प्रशासन ने बाद में सीमित संख्या में लोगों को पुल से आने जाने की अनुमति प्रदान की तथा जो भी दोपहिये वाहनों की आवाजाही थी वो बिल्कुल रोक दी गई, जिससे कि राम झूला पर ज्यादा भीड़ न हो तथा पुल पर ज्यादा भार न पड़े। तो दोस्तों क्या आप कभी राम झूला पर गए हैं और इस हिलते हुए पुल का नजारा लिया है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।